आज का प्रेरणा पाते जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, पूरी सृष्टि है, उस सृष्टि में जो जो भी मुख्य तत्व है वो सारे सृष्टि ने, कुदरत ने वो हमारे को पिंड में मनुष्य के अंदर डाल दिए हैं। कैसे? कि जो सृष्टि है वह पंचभूतात्मक है, तो पिंड में भी पांच भूत डाल दिए, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो है वो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। उसी से ही पिंड का निर्माण होता है, पिंड पैदा होता है, शरीर पैदा होता है, पोषित होता है और उसी में विलीन हो जाता है, तो वो पांच तत्व वापस ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। दूसरी बात करें कि जो हमारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस और तमस से बनी हुई है। सत्व गुण वो होता है जो कि अच्छा गुण होता है, संत प्रकृति का होता है, किसी को कष्ट नहीं देने वाला होता है, तो ऐसी प्रकृति होती है तो शांत होती है, वह गुण भी मनुष्य में होता है। सत्व प्रकृति का सन्यासी होता है, गुणी होता है, किसी को दुख नहीं देने वाला होता है। प्रकृति अगर रजस होती है तो चंचल बन जाती है और चंचलता ला करके उपद्रव करती है, तो चंचलता वाला, रजस वाला व्यक्ति भी चंचल होता है, इधर उधर घूमता रहता है, किसी एक जगह स्थिर नहीं होता है। और तमस प्रकृति वाली प्रकृति बन जावे तो वो तांडव नृत्य करती है, सुनामी है, कोरोना है और जो है अतिवृष्टि है, अनावृष्टि पैदा करती है, और ऐसा व्यक्ति भी महान हिंसक बन जाता है।